हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं चारू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कनपुरिया चारू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कानपुर के ब्लॉग में आज मैं आपको लेकर के चल रही हूं अपनी कानपुर की शान जेड स्क्वायर मॉल में। जी हां दोस्तों, क्रिसमस डे हो और न्यू ईयर हो, वहाँ पर कोई जेड स्क्वायर मॉल ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इसी के अवसर पर हम लोग चलते हैं जेड स्क्वायर मॉल घूमने। दोस्तों, यहाँ की आप डेकोरेशन देख के वाकई आज तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही मस्त ब्लॉग है आज का। आज का वीडियो देख करके आपका दिल पक्का खुश होने वाला है कि अपने कानपुर में इतनी प्यारी सी चीज़ है। लोग दूर दूर से आते हैं, फिर तो आप सब कानपुर के ही हैं, तो बिल्कुल जाइए और जेड स्क्वायर मॉल में इंजॉय करिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करें। आप सब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बड़े चौराहे पर खड़ी हूँ और सामने अपना जेड स्क्वायर मॉल है। दोस्तों, ट्रैफिक का हाल आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और दोस्तों, लगना भी चाहिए, फेस्टिवल का टाइम है तो ऐसे टाइम में सभी लोग घूमने निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अपना जो जेड स्क्वायर मॉल है वो दूर से ही बिल्कुल चमक रहा है। तो बहुत ही जल्द दोस्तों आपको इसके अंदर लेकर के चल रही हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही कानपुर के बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अंदर ले चलते हैं। सो फ्रेंड्स, कानपुर में जेड स्क्वायर की एंट्री करने के लिए स्टार्टिंग यहीं से होती है। क्योंकि दोस्तों आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसके बड़े गेट खोल दिए गए थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अंदर जाने के लिए। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते इतनी सर्दियों में भी इतनी भीड़, वाकई कमाल की बात है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेड स्क्वायर मॉल में एंट्री करते ही एक फाउंटेन भी लगा हुआ है, काफ़ी गजब का है। मैं इसके पास भी आपको लेकर के चल रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे वगैरह भी देख रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों आप भी एंजॉय कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि फाउंटेन किस प्रकार से कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा भी लग रहा था। सो फ्रेंड्स, अभी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए और अंदर चलें। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी तो देखा दो अलग अलग लाइनें चल रही थी, एक दोस्तों वुमेन की थी, एक मेंस की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये भी तरीका बहुत ही अच्छा था भीड़ को देखते हुए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हम लोग यहाँ पर मेन गेट पर आ चुके हैं। साथ ही दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बिना मास्क की एंट्री नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे लोग बाहर मास्क भी बेच रहे थे कि आप उन्हें ले फिर आप अंदर एंट्री करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग मेन गेट के अंदर आ गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप भीड़ का नज़ारा देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आप भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। आपने शायद ही कभी इससे पहले जेड स्क्वायर मॉल में इतनी भीड़ देखी हो, या कभी एक आध बार कोई सेलिब्रिटी आई हो तो फिर उसकी बात अलग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपने नीचे से तो व्यू देख लिया है, अब आप क्रिसमस ट्री का और पब्लिक का थोड़ा सा ऊपर से भी व्यू देख लीजिए। तो आइए दोस्तों मेरे साथ ऊपर टॉप फ्लोर पर चलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर दो कदम पे एक अलग डेकोरेशन की गई है। दोस्तों, यहाँ पर डेकोरेशन तो मैं आपको क्या ही जवाब दूँ, बहुत ही बेहतरीन थी कि उसका कोई जवाब नहीं। हर दो कदम पे आपको एक नई चीज़, यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं जगह जगह बैठ करके। सो फ्रेंड्स, आइए आपको ऊपर ले चलते हैं। दोस्तों, वहां से आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ ऊपर और आप देख सकते हैं टॉप व्यू कितना अच्छा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से भीड़ का नज़ारा देखिए आप, कितने छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं और कितना प्यारा दृश्य लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री है, वाकई पूरे कानपुर में किसी भी मॉल में इतना बड़ा क्रिसमस ट्री नहीं बनाया गया है। दोस्तों, थोड़ी सी अगर मैं मॉल की बात करूँ तो ये कानपुर का ही नहीं बल्कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मॉल है। दोस्तों, जेड स्क्वायर से बड़ा मॉल पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने कनपुरिया लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल जैसा भी कोई प्लेस है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी हाल ही में अपने कानपुर में मेट्रो भी चलाई गई है, उसके लिए भी बहुत ही बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा लगा।
साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटा क्लॉज भी किस तरीके से नाच रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाई थी। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जेड स्क्वायर मॉल कितना बेहतरीन तैयार था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी। आप सबको भी ये अगर डेकोरेशन देखनी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले पहले जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये थीम आपकी लगभग 26 जनवरी तक बनी रहेगी। दोस्तों गणतंत्र दिवस में इसकी अलग थीम हो जाएगी और वो 26 जनवरी के हिसाब से डेकोरेट होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अपने जेड स्क्वायर मॉल की यही खास बात है कि कोई भी फेस्टिवल मिस नहीं होता है, हर फेस्टिवल की एक अलग थीम होती है, अलग तरीके से डेकोरेशन होता है। सो फ्रेंड्स आप इस डेकोरेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर अभी तक भी आप नहीं गए हैं तो बिल्कुल जाइए। लोकेशन वाइज दोस्तों ये पड़ता है कानपुर के बड़े चौराहे में। आप कानपुर के किसी भी कोने में हो, बड़े चौराहे के लिए बैठ लीजिए सवारी में या फिर अपने साधन से, तो आपको बिल्कुल इसी मॉल के सामने वो उतारेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कानपुर के बारे में पता चले और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अपने कानपुर में और बहुत ही अच्छा है अपना कानपुर। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों बात करें अगर इसके रेस्टोरेंट की तो वैसे तो दोस्तों जेड स्क्वायर मॉल में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, पर ये वाला मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने इसको ज़रूर दिखाया है। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये इसका टॉप व्यू है। दोस्तों पास से वीडियो क्लियर नहीं बन पा रहा था, सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर टॉप व्यू दिखाया है और आप देख सकते हैं ऊपर सर्कल की जैसे शेप इन्होंने दिया हुआ है, ऊपर से नीचे डायरेक्ट आपको रेस्टोरेंट नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैंने लास्ट ईयर भी सन 2022 में भी जेड स्क्वायर मॉल का न्यू ईयर पे वीडियो डाला था, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। साथ ही साथ देख सकते हैं बाहर भी कितनी ज़्यादा भीड़ निकल रही है और कानपुर के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कानपुर के वीडियो देखने में तो प्लीज़ चैनल को विजिट ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगल में आ रही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक वो वीडियो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों अपने बहुत सारे कानपुर के दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अपने कानपुर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और कितना अपना कानपुर बदल गया है उन्हें अपडेट मिल सके। ठीक फ्रेंड्स, मुझे ये वाला जो खिलौना था व्हील वाला तो बहुत अच्छा लगा, बचपन में हम लोग खेलते भी थे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।